old saying that raise the quality of your words rather than raising your voice. Hello, ladies and gentlemen. I, Shreya Katyal, welcome you all to the 7th Global Festival of Journalism, Noida. And I'm in conversation with a man who has been practicing this quality. I'm in conversation with the senior anchor of Aaj Tak, Mr. Syed Ansari. So let's talk to him and gather lots of words of wisdom from him. Hello, sir. आपको आज यहाँ पर इस इवेंट को विटनेस कर कैसा लगा, मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले। बहुत 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 अच्छा श्रेया जी, मज़ा आ गया। मतलब इतना बड़ा इवेंट, इतने सारे आपने जर्नलिस्ट्स को बुलाया, सिर्फ अपने देश से नहीं विदेश से भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ टिप्स जानना चाहूँगी आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पास इमेंस एक्सपीरियंस है ऑन द फील्ड, थ्योरी का भी, प्रैक्टिकल का भी, तो आप बडिंग जर्नलिस्ट से क्या कहना चाहेंगे? नॉलेज, हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत 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 पढ़ना है, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है, सब पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, इंटरनेट पर जाकर इंटरनेशनल अखबारों को पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, मेडिकल पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है, सब के बारे में पढ़ना है और निष्पक्ष रहना है। Exactly, that's a very vital point and knowledge can empower you. World Radio Day bhi hai aaj, so some views on radio because you are a TV anchor. नहीं श्रेया जी, टीवी तो बाद में, मतलब हमें तो बनाया ही रेडियो ने। हमने अपना करियर ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू किया और रेडियो में बहुत काम किया। पहले आभा जी की तरह आरजे थे और उसके बाद हम न्यूज़ में आ गए, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में, और न्यूज़ में हमने बहुत काम किया। 3 साल लगातार हमने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में काम किया और वहीं से सब कुछ सीखा है। तो रेडियो तो दिल के करीब है, रोज़ी रोटी तो रेडियो ने दी है और इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया, अगर इंडस्ट्री में आज खड़े होने लायक बनाया, अगर आप बात पूछ रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियो ने। That's really interesting. I never knew this thing. So आज तक पे तो आप देखते ही हैं, मगर जर्नी रेडियो से स्टार्ट हुई थी। रेडियो की इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए। रेडियो की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। ये जो रेडियो की ट्रेनिंग थी, क्योंकि रेडियो की ट्रेनिंग ने ही आज यहाँ खड़ा किया। रेडियो में भी ये था कि जब ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में हम थे तो वहाँ कॉपीज़ अंग्रेज़ी में आती रहती थी और उसे पकड़ के सिर्फ धड़ाधड़ ट्रांसलेट करना होता था। मतलब वहाँ से ट्रांसलेशन सीखा, वहाँ ख़बरें लिखना सीखा। रेडियो पर तो वक्त बहुत कम होता है, समय बहुत कम होता है, 24 घंटे भी नहीं होते हैं। तो 5 मिनट की अगर न्यूज़ है तो 5 मिनट में अगर आपको 15 न्यूज़ शामिल करनी है तो वो शॉर्ट क्रिस्प शब्द आपके क्या हों, भाषा आपकी क्या हो, सेंटेंस कितने छोटे हों, कितने अच्छे हों, या आप मैसेज को कन्वे कर दें वो, और उसके बाद आवाज़, प्रोनंसिएशन, उच्चारण। तो अगर ये सब रेडियो नहीं करता तो टीवी वाले मौका कहाँ देते। Exactly, so that's the basic, keep them in mind. Thank you sir, thanks for enlightening us. कहते हैं कि जो दिखता है वो ही बिकता है, मगर आज हमने सैयद जी की जर्नी से जाना, सीखा कि ये रेडियो से स्टार्ट हुई थी और आज सक्सेसफुली टीवी पर चल रही है। देखिए, वी कैन नॉट डिनाई द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ रेडियो। आयशरा कत्याल विश यू अ वेरी हैप्पी 13th February, द वर्ल्ड रेडियो डे। कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन एंजॉइंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड टू MSTV. Thank you.